नमस्कार, आप देख रहे हैं देश खबर एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं रायबरेली की खबर। सावन का आखिरी सोमवार है, भक्तों की भीड़ मंदिर में लगी हुई है। सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं भोलेनाथ से मांग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देश और दुनिया को कोरोना से मुक्त करने की प्रार्थना भोलेनाथ से की है। क्या परिचय है आपका? आज यहाँ आखिरी सोमवार है, आप मनोकामना लेके आए हैं, क्या भगवान से प्रार्थना है? यहाँ पे भोले बाबा के साथ माँ पार्वती भी विराजमान है, जिनकी वजह से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये जो शिवलिंग है दिन में दो बार रंग बदलता है। और यहाँ पे जनपद के आसपास के जो प्रतापगढ़ जिला है, फैजाबाद है, अयोध्या है, इलाहाबाद है, और इधर आप कानपुर तक के लोग यहाँ आते हैं जल चढ़ाने के लिए। क्या परिचय है आपका? आज यहाँ आखिरी सोमवार को आई हैं आप, क्या है मनोकामना? जी, यहाँ पर शिव बाबा की आस्था है, हम 25 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। शिव बाबा से यही प्रार्थना है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, कोरोना से मुक्त करें। बाबा, क्या परिचय है आपका? हमारा नाम राम सागर पांडे है। आज यहाँ आप सावन के आखिरी सोमवार में दर्शन करने आए हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आए, इसलिए कि कोरोना से मुक्ति मिलने के लिए हम सब लोगों को शायद दर्शन ही करने से बाबा से मुक्ति मिल जाए, इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या मांगा भगवान भोलेनाथ से? भगवान नाथ से मांगा है कि कोरोना से मुक्ति दो भोलेनाथ, सभी को रक्षा करो और सब मिलकर के एक हो, सही रहें।